बिग बॉस 14 में अब तक कई लोगों के रिश्ते बनते बिगड़ते देखे गए, लेकिन कुछ लोगों के बीच शो की शुरुआत से ही रिश्ते खट्टे रहे हैं। अभिनव शुक्ला और राहुल वैद्य का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। दोनों की एक दूसरे से कभी नहीं बनी। सोमवार के एपिसोड में भी एक बार फिर से राहुल वैद्य और अभिनव शुक्ला के बीच झड़प देखने को मिली। वजह थी जैस्मीन भसीन को वोट ना करना। राहुल वैद्य अभिनव से पूछते हैं कि क्या उन्होंने नॉमिनेशन प्रक्रिया में जैस्मीन भसीन को नहीं बचाया। अभिनव कहते हैं कि उन्हें लगा राहुल वैद्य और अली गोनी उसे वोट कर बचा लेंगे। धीरे धीरे उनकी ये नॉर्मल डिस्कशन बहस में बदलती गई। अभिनव का ये अंदाज राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि जैस्मीन को बचाने के लिए उनका नाम कैसे आया। राहुल ने आगे कहा कि बिग बॉस के घर में रूबीना के बाद जैस्मीन से अभिनव की सबसे ज्यादा बनती है, तो कायदे से वो जैस्मीन को ही नॉमिनेशन से बचाएगा। वहीं अभिनव की माने तो अभिनव का कहना है कि वो श्योर था कि राहुल और अली जैस्मीन को वोट देकर नॉमिनेशन से बचा लेंगे। ऐसे में उन्होंने एक वोट अपनी पत्नी रूबीना दिलायक और दूसरा वोट राहुल महाजन के लिए किया, जिसके असुरक्षित होने के ज्यादा चांसेस थे। जैस्मीन भसीन के नॉमिनेशन को लेकर ही राहुल वैद्य और अभिनव शुक्ला के बीच में काफी गर्मा गर्म बहस हो गई। राहुल वैद्य का कहना था कि वो जैस्मीन के साथ अच्छी दोस्ती और समझ की बात करते हैं, पर जिस तरीके के सिचुएशंस आती हैं तो जैस्मीन को प्राथमिकता नहीं देते, जबकि जैस्मीन हमेशा अभिनव के लिए स्टैंड लेती है। इस तरह अभिनव का फर्ज बनता था जैस्मीन को बचाना। दोनों की लड़ाई जैस्मीन भसीन के नॉमिनेशन को लेकर होती है, जिस पर जैस्मीन का कहना है कि उसे अभिनव के वोट ना करने से कोई दिक्कत नहीं है। वो अभिनव से कहती है कि उन्हें इस तरीके की कोई उम्मीद नहीं थी। दोनों के बीच अच्छी इक्वेशन है जो कि किसी डील की मोहताज नहीं। आपको बता दें कि सब तेलिगोनी और निकी तंबोली के नियम उल्लंघन की वजह से घर के सभी सदस्य नॉमिनेशन में हैं।